पानी के संकट को दूर करने के लिए वैसे तो हमारे कई प्रयत्न चल रहे हैं, चाहे उसमें एसवाइल हो, चाहे उसके अंदर लखवार डैम, किसाऊ डैम, रियास रेणुका डैम, इन सब के विषय चल रहे हों। और पिछले दो वर्ष से हमने एक मुहिम और चलाई कि लोग धान की बिजाई कम करें, क्योंकि एक किलो चावल में 4,000 से 5,000 लीटर पानी होता है। तो किसानों को अपील की थी, जहाँ पानी बहुत गहरा चला गया, खास करके अगर मैं कहूँ तो 40 मीटर से भी नीचे पानी जहाँ चला गया है, ऐसे क्षेत्रों में किसानों को अपील की थी कि अपने धान की बिजाई कम करें। मुझे खुशी है इस बात की कि अभी तक 55,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर धान ना बोने के लिए लगभग 42,000 किसानों ने और अपने फार्म भरे हैं। एक बड़ी संख्या में किसान आगे आ रहे हैं। हमारा टारगेट है 1,00,000 हेक्टेयर का। तो 1,00,000 हेक्टेयर, क्योंकि बहुत सी जगह पर फार्म भरे जा रहे हैं और अभी धान की बिजाई में समय भी शेष है कि जून के महीने में मुझे लगता है हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। और किसान आगे आ रहे हैं, सिरसा ब्लॉक और रतिया ब्लॉक में तो बहुत से किसानों ने कहा कि हम धान छोड़ करके और कपास की खेती पर भी आएंगे। कुछ लोग मक्के की खेती पर आ रहे हैं, कुछ दालों की खेती पर आ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सब्जियां और बागवानी इसके ऊपर भी किसान आ रहे हैं। पानी बचाने की जो पहल हमने की है, किसान इससे सहमत है। हमारी ज़मीन पानी के साथ, ये विरासत के अंदर जाना चाहिए, तभी हमने इसका नाम रखा है मेरा पानी मेरी विरासत। तो इस संबंध में आज रतिया ब्लॉक के किसानों से बातचीत हुई, बहुत ही सकारात्मक बातचीत रही और सब लोगों ने अपने सुझाव भी दिए और काफ़ी लोगों ने इस बात को माना भी है कि हाँ, हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये आज के इस कार्यक्रम का हेतु था जो आपके बीच में मैं आया हूँ। इसी में एक योजना और जो हमने बनाई है कि जो राइस शूट्स पहले दिए जाते थे पानी नहरी पानी के, वो अब कुछ लोगों को जो पहले मिलता था राइस शूट का पानी, अब वो जितने लोग अप्लाई करेंगे, जितने लेना चाहेंगे, उन सबको बराबर बांट करके हर नहर के ऊपर वो पानी दिया जाएगा। और अकॉर्डिंगली पहले तो 1,000 एकड़ के ऊपर 750 क्यूसेक का ही पैमाना होता था, उसका 300 रुपये का रेट था। अब अगर ज़्यादा किसान की मांग करेंगे तो पानी जितना देंगे उसी हिसाब से उनका रेट भी कम कर दिया जाएगा, यदि पानी 750 क्यूसेक से कम दिया जाता है। अगर 750 दिया जाएगा तो वही 300 रुपये एकड़ का रेट रहेगा। तो ऐसी योजना कल ही हमने बनाई है और इसकी घोषणा आज मैं कर रहा हूँ। हमने ये निर्णय तो लिया है कि कब तक नहीं खोलने, यानी 15 जुलाई तक कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, 15 अगस्त तक सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलेंगे, 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल नहीं खुलेंगे। मूल्यांकन उसका रिव्यू करेंगे, उस समय क्या स्थिति होती है, बाद में कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे उस समय विचार करेंगे। लेकिन अभी तो जो वर्तमान स्थिति है, इसमें इस समय तक कोई भी परीक्षाएं जो हैं कॉलेजेस की, फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं, वो सभी जुलाई महीने में यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से वो सब कराई जाएंगी। जो फाइनल सेमेस्टर हैं उनकी परीक्षाएँ होंगी, जो फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके बाकी सेमेस्टर जितने हैं उनको उनकी एवरेज बेसिस के ऊपर सबको पास कर दिया जाएगा। देखिए, दोनों तरफ से शिकायत मिली है पुलिस को, पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस लोग कर रहे हैं और बाकी सामाजिक संगठन अपने तरीके से काम करते हैं, वो सब कर रहे हैं। पुलिस की जो भी फाइंडिंग आएगी, जो इन्वेस्टिगेशन आएगी, उसके हिसाब से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष के साथ कोई ऐसे अन्याय होगा नहीं। क्या लगता है आपको कि मैंने बता दिया, जितना बताया, पुलिस की जो भी